रोज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। देखिए आज की तमाम खबर। गया शहर के बिसार तालाब स्थित एक निजी होटल में चाणक्य आईएएस एकेडमी के द्वारा 67वीं बीपीएससी में सफल अभ्यर्थियों के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 67वीं बीपीएससी में सफल अभ्यर्थियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शशि प्रताप शाही, पूर्व विधायक गोह डॉक्टर रणविजय कुमार सिंह और महारानी बस के पॉप राइटर मुन्ना सिंह शामिल हुए। इस दौरान मुख्य अतिथियों को अंग वस्त्र एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर चाणक्य आईएएस एकेडमी के रीजनल हेड डॉक्टर कृष्णा सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सतत प्रयास और युक्ति संगत समय प्रबंधन सफलता को निर्धारित करता है। अगर किसी भी व्यक्ति को ये साधन उपलब्ध है तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं हो सकता। इसके पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शशि प्रताप सिंह ने चाणक्य आईएएस एकेडमी के रीजनल हेड डॉक्टर कृष्णा सिंह को सिविल सेवा परीक्षा में बिहार के रिजल्ट को सुधारने की दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना की। आज का ये कार्यक्रम मूल रूप से गया के आसपास के विद्यार्थियों के लिए था। गया के आसपास के वैसे विद्यार्थी जिन्होंने 67वीं बीपीएससी में सफलता पाई है उनको सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मगध यूनिवर्सिटी के वीसी साहब थे, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रोफेसर रणविजय कुमार सर थे और नाबू थे। ये सब मिलके इन विद्यार्थियों को इनके अचीवमेंट के लिए इनको सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह जो चाणक्य आईएएस एकेडमी सदैव चलाती है उसके कई पर्पस हैं, जिसमें दो प्रमुख हैं। पहला ये तो जिन विद्यार्थियों ने सफलता पाई है वो हकदार हैं इस प्रकार के सम्मान को पाने के लिए। दूसरा कि इन विद्यार्थियों के सम्मानित होते देखकर आसपास और तमाम क्षेत्र के, जहाँ तक आपकी बात पहुँचेगी, जहाँ तक हमारी बात पहुँचेगी, वहाँ तक के तैयारीरत विद्यार्थियों को मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे आसपास के लोग, हमारे बीच के लोग ने सफलता प्राप्त की है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसी मोटिव से चाणक्य आईएएस एकेडमी प्रत्येक रिजल्ट के बाद इस प्रकार का फेलिसिटेशन प्रोग्राम करती है। ये गया में आयोजित किया गया है और गया के इर्द गिर्द के ही विद्यार्थियों को इसमें सम्मिलित होने का मौका मिला जो सफल हुए 67वीं बीपीएससी में। अब इसके बाद पटना में आयोजित होगा और पटना में हमारे यहाँ 67वीं बीपीएससी में डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज से, जिसमें कि क्लासरूम प्रोग्राम, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज और तमाम प्रकार के कोर्सेज से लगभग 67वीं बीपीएससी में 253 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है। तो हमारी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में उनके ट्रेनिंग में जाने से पहले उन सबों का पटना में एक बृहद फेलिसिटेशन सेरेमनी किया जाए और उन सबों को बुलाकर, और उनके साथ साथ मैं सदैव ये कोशिश करता हूँ कि विद्यार्थियों को तो सम्मानित किया ही जाए जिन्होंने सफलता अर्जित की है, साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी सम्मानित किया जाए, क्योंकि उनका भी उतना ही योगदान है उनकी सफलता में जितना उन्होंने स्वयं हासिल करके, स्वयं पढ़ाई करके किया। तो इसलिए इस प्रकार का कार्यक्रम अब हम लोग पटना करेंगे, जिसमें कि 253 विद्यार्थियों को सम्मानित करने की हमारी कोशिश होगी। गया ब्रांच अभी तुरंत इस्टेब्लिश हुआ है और गया में हम लोगों ने वो तमाम सुविधाएं दी है जो देश के किसी कोने में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कराने वाली किसी मानक संस्था या चाणक्य आईएएस एकेडमी के दिल्ली के सेंटरों में उपलब्ध है। तो वो तमाम सुविधाओं के साथ ये सेंटर यहाँ आज यहाँ पहुँचा हुआ है गया में, गया के विद्यार्थियों के लिए। व्यापक पैमाने पर विद्यार्थियों को इनिशियली छूट भी मिल रही है, गर्ल्स स्टूडेंट को कुछ और ज़्यादा छूट मिल रही है। तो जो विद्यार्थी सीधे तौर पर जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं वो संस्था में आकर इंक्वायरी करें और अपने आप को तैयार करें अगले परीक्षा के लिए। जो विद्यार्थी सीधे तौर पर नहीं पहुंच पाते हैं किसी आर्थिक कारणों से, वो हम तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए हमारा यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम का चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। वहाँ डेली मटीरियल और क्लासेज उनको अवेलेबल होगी और उस स्तर पर वो अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमने कोशिश की है विद्यार्थियों को उनके मुकाम तक पहुंचाने की, उसी कोशिश में ये हम आज यहाँ उपस्थित। चलिए शुक्रिया।
देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।